नॉन प्रैक्टिस अलाउंस एनपीए की मांग को लेकर कुचामन सहित प्रदेश के पशु चिकित्सकों की बेबुनियाद हड़ताल पशुपालकों के लिए भारी पड़ रही है। पशुपालक अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। दूसरी ओर पशु चिकित्सालय कुचामन मुख्यालय पर जमा हुए क्षेत्र के चिकित्सकों ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि वे पिछले एक दशक से एनपीए की मांग कर रहे हैं। उन्होंने समय समय पर अपनी बात विरोध दर्ज कराते हुए सरकार तक भी पहुंचाई, लेकिन उन्हें सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। चिकित्सकों ने वर्तमान प्रदेश सरकार पर भी विश्वासघात का आरोप लगाते हुए चिकित्सकों ने कहा कि उन्होंने एनपीए की मांग करते हुए एक सप्ताह तक काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए काम किया, लेकिन सरकार ने सुनवाई नहीं की। पशु चिकित्सकों के मुताबिक राज्य के पशु चिकित्सा अधिकारी सरकार से लंबे समय से एनपीए की मांग कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन विभाग तथा सरकार इस मांग को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। 6 सितंबर को विभाग को जयपुर में प्रदेश इकाई की ओर से ज्ञापन के जरिए अपनी मांग से पुनः अवगत करवाया गया था। इसके साथ ही 16 सितंबर से बेबुनियाद हड़ताल पर चले जाने के निर्णय से भी परिचित करवाया था, लेकिन इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाने पर बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी गई है। चिकित्सकों की हड़ताल के चलते कामधेनु बीमा योजना का काम पूरी तरह से अटक गया है। प्रदेश के पशुपालकों को अपने मवेशियों के उपचार में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और क्या मांग है? मेन जो हमारी मांग है एनपीए की, वो सालों से सरकार नजरअंदाज करती आ रही है, इसलिए इस बार हम लोगों ने थोड़ा गर्मजोशी से इसको हमने अपनी डिमांड की है। इस कुछ समय पहले भी हम लोगों ने आमरण अनशन के साथ इस डिमांड की शुरुआत की थी, परंतु सरकार द्वारा लगातार आश्वासन देने के बावजूद भी हमें हमारी मांग पूरी होती नहीं नज़र आ रही है, इसलिए हम लोगों ने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। और हाल ही में सरकार ने कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की है, जिसमें मतलब पशु चिकित्सक को घर घर जाके, जो ये महंगाई राहत कैंप में जो पशुपालक रजिस्टर हुए थे उनके दो दो पशुओं का बीमा करना है, उसमें प्रत्येक पशुपालक के घर घर जाकर बीमा करना है। और गौपालन का वर्क तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, एक एक डॉक्टर के पास 8-10 से नीचे गौशालाएं नहीं है, वो वर्क भी काफ़ी साल में 3 बार के लिए उनका निरीक्षण करना, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करना, उसमें काफ़ी मेहनत और वो लगती है, इसलिए हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और इस पर हम टिके रहेंगे। आपकी बात, क्या नाम है? मैं डॉक्टर ग्राम सिंह, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी। सर, क्या मांग है आप लोगों की और क्यों इस मांग की जरूरत पड़ी है? हम सभी राजस्थान के सभी पशु चिकित्सकों की सबसे बड़ी मांग और सबसे जो इम्पोर्टेंट मांग है वो एनपी की है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस की, जो पिछले 10 सालों से हम इसकी मांग करते आ रहे हैं, पर कोई भी सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती। इसके लिए हमने अभी 8 महीने पहले 40 दिन का जयपुर में धरना दिया था और उस टाइम माननीय मंत्री महोदय जी वहाँ पर आए थे और उन्हें हमें एश्योर किया था कि आपको एनपीए दिया जाएगा। अभी पिछले जून में 16 जून को हमारे जो इलेक्शन हुए थे आरबीए के, राजस्थान वेटरनरी एसोसिएशन के, उस समय मंत्री जी आए थे, फिर उन्होंने एश्योर किया था कि हम आपको एनपीए देंगे, परंतु कोई उसकी सुनवाई नहीं। अभी 6 तारीख को, 6 सितंबर को जो इसके बीमा की जो मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई थी, उस टाइम उन्होंने एश्योर किया था कि हम आपको देंगे, पर हमारे साथ में सरासर धोखा ही धोखा हो रहा है। एश्योरेंस दे रहे हैं, अभी तक हमारी एनपीए की मांग पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हमने सभी पशु चिकित्सकों ने पिछले 7 दिन से, तो पहले हमने काली पट्टी बांधकर पूरा विरोध किया है और पिछले 17 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं और इसका आज तीसरा दिन है अनिश्चितकालीन हड़ताल का। जब तक हमें एनपीए नहीं मिलेगा तब तक सभी डॉक्टर पूरे राजस्थान के एक्सेप्ट डायरेक्टर साहब को छोड़ के सभी डॉक्टर, सभी पशु चिकित्सक इस पूरी हड़ताल करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। नो एनपीए, नो बीमा और नो गौशाला वर्ग। गौशाला का हमारा इतना ज़बरदस्त काम रहता है, जो जबकि इसका डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, सारा का सारा हेडेक हमारे पशुपालन विभाग पे दे रखा है, वो एक्स्ट्रा वर्क है। और फील्ड में बाहर इतने डॉक्टर्स के इतना ज़बरदस्त जो काम रहता है, सारा स्ट्रेस रहता है, इसके बावजूद वेटनेरियंस को ये सरकार एनपीए नहीं दे रहे हैं। तो मेरा गवर्नमेंट से, ये पूरे एसोसिएशन की तरफ से ये डिमांड है कि वो जल्दी से जल्दी हमारा एनपीए दें ताकि पशुपालकों को किसी भी तरह की